दोस्तों फाइनली कल एक बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है लाइगर। जी हाँ, ये एक तेलुगु फिल्म है जिसे पैन इंडिया स्केल पर रिलीज किया जाए, जिसकी लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय देवरकोंडा, अन्ना पांडे एंड अदर सपोर्टिंग कास्ट। देखो दोस्तों, इस फिल्म के जो फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू ना वो आ चुके हैं, यानी आज इस फिल्म को इंडिया के अंदर ही, जी हाँ वैसे कल रिलीज करना है लेकिन आज इस फिल्म को शाम के अंदर प्रेमी शो स्पेशल रखे गए हैं और कई ऑडियंस दोस्तों फिल्म को दिखाया गया है, यानी कल ये रेगुलर हो जाएगा लेकिन आज शाम को दोस्तों इस फिल्म के जो प्रिंट था यानी कई लोगों को दिखाया गया है। और प्लस दोस्तों इस मूवी को यानी कि इंटरनेशनल मार्केट दुबई में रिलीज किया गया है और वहाँ के जो रिव्यू निकल के आए ना दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई, क्योंकि दोस्तों अब क्या नया बवाल मचा हुआ है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है किसे खुद को नहीं पता है। अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर गई बॉयकॉट तो दोस्तों वो ट्रेंड चलते रहते हैं, एंड तक चलता रहता है, चाहे फिल्म बुरी तरह पिट जाए चाहे फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए। तो दोस्तों दो मूवी के साथ हो चुका है, एक थी दोस्तों लाल सिंह चड्ढा, दूसरी थी रक्षाबंधन और तीसरी दोस्तों होने जा रही है लाइगर। देखो दोस्तों, लोग बयान देते उल्टे फुलटे, उसका रिएक्शन दोस्तों मूवी पर प्लस जो बाकी जो और भी काम करते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दोस्तों ये लोग दुनिया अभी तक नहीं समझ रही लोगों से क्या क्या हो जा रहा है। अभी विजय देवरकोंडा ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसके दोस्तों ये फिल्म भी बॉयकॉट के अंदर शामिल हो चुकी है। अब बात कर दोस्तों फिल्म के रिव्यू की। देखो जो स्पेशल शो रखा गया है तेलुगु के अंदर, हिंदी के अंदर दोस्तों यानी विदेशी मार्केट में किया गया है, तेलुगु के अंदर जो रखा गया है लोगों ने जमकर तारीफ की है। जी हाँ, इस फिल्म के लिए लोगों ने जमकर तारीफ की है और उनका था विजय देवरकोंडा की परफॉर्मेंस सुपर्ब लगी है। हाँ, यहाँ पे अनन्या पांडे का काम इतना अच्छा नहीं लगा है लेकिन जो बाकी परफॉर्मेंस एक्टर की वो भी पसंद आई है, लेकिन विजय देवरकोंडा ने पूरी फिल्म अपने जिम्मे पे ले ली है। यानी एक रोड साइड लड़का कैसे बॉक्सर, कैसे उसकी जर्नी बनती है दोस्तों, वो भी इस फिल्म में दिखाया गया है। और दोस्तों बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट की तो दोस्तों वहाँ पे लोगों ने फिल्म को सिर्फ एवरेज बताया है। जी आपने सही सुना, सिर्फ एक एवरेज भी मिला है, इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। बात की जाए एडवांस बुकिंग की तो दोस्तों वो भी कुछ ऐसी हमें न्यूज़ मिल रही है कि कहने क्या है, यानी हिंदी के अंदर दोस्तों कल क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, ना के बराबर दोस्तों फिल्म को स्क्रीनिंग मिल रही है और जो एडवांस बुकिंग दोस्तों वो भी सिर्फ ना के बराबर आ रही है। देखो अगर लोगों को फिल्म पसंद आएगी तो लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। शुरुआत जैसे कार्तिक के साथ हुआ था, शुरुआत में 7 लाख आए थे लेकिन कैसे दोस्तों मूवी ने लगभग 8-9 दिनों के अंदर दोस्तों लगभग 20 करोड़ का कारोबार इन्वॉल्व नाम पर कर लिया है। तो दोस्तों अगर ये फिल्म अच्छी चली, इसको अच्छी रेटिंग मिली लोगों की तरफ से, तो दोस्तों ये फिल्म आगे हिंदी में चल सकती है। वरना देखो तेलुगु में तो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, लोगों को हद से ज़्यादा ये फिल्म पसंद आ रही है। तो ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप कल फिल्म को देखने के लिए जाओगे या दो जो ये ट्रेंड चल रखा है बॉयकॉट वाला, ये उस पर निर्भर होगे। जो भी आपकी राय हो कमेंट में यार एक बार जरूर बताना। दोस्तों मिलते हो अगली वीडियो में एक और मूवी का रिव्यू अपडेट लेकर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।